हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय किसान संघ का एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर आज भारतीय किसान संघ बाड़मेर द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर किसानों की मांगों के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री के नाम किसानों की समस्याओं का निराकरण हेतु संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष हरिराम जी मांजू जिला अध्यक्ष दुर्गाराम मुड़ के नेतृत्व में ज्ञापन जिला कलेक्टर के मार्फत दिया गया। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में प्रतिनिधि मंडल को संघ की विभिन्न जिला स्तरीय मांगों के बारे में आश्वासन दिया एवं बताया कि संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी जिसमें संघ प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक वार्ता कर राजस्व विभाग आपदा प्रबंधन कृषि विद्युत बैंक सरकारी समिति संबंधित बीमा कंपनी नहर विभाग आदि मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा मौके पर समाधान किया जाएगा। भारतीय किसान संघ प्रतिनिधि मंडल में किसान संघ के जिला मंत्री लादूराम खिलेरी व जिला कार्यकारिणी सदस्य हरदाराम चौधरी जगराम विश्रोही दयाराम थोरी अखाराम कल बी चीमा राम मुड़ श्रीमती समदा चौधरी हेमलता चौधरी निम्बाराम मुड़ बगदाराम सारण लिखमाराम भांबू किस्तूरा राम जांदू खंगारा राम गोविंद चौहान जवारा राम पटेल दिलीप शर्मा पन्ना राम सारण मोहन गोदारा चांदा राम भिल खेताराम सियाग धर्माराम घाट किसानाराम चौहटन चंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन में उपस्थित किसानों के संघ के पदाधिकारी हरिराम जी मांजू दुर्गाराम मुड़ कोसलाराम गोदरा संबोधित कर बताया कि उक्त मांगों के संबंध में 10 दिन की अवधि में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आगामी समय में विशाल प्रदर्शन कर उपखंड एवं तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर संघ के सभी कार्यकारिणी सदस्य एवं जिले के सभी तहसीलों के लगभग 225 ग्राम पंचायतों के 2000 किसान पुरुष एवं महिलाएं मौजूद रहे। जिला मंत्री ने सभी उपस्थित किसानों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।